मनोज कॉम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है प्रमुख पुस्तक एवं लेखक का ये संभवतः जो है आखिरी वीडियो है। इससे पहले जो है तीन वीडियो हम दे चुके हैं और बहुत ही शानदार वीडियो है। तो वो तीनों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वो तीनों वीडियो देखना ना भूलिएगा। उस तीनों वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और आप सभी पुस्तक और लेखक का वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आगामी जो भी एग्जाम है उसमें आपको इस पुस्तक से अगर प्रश्न एग्जाम में आए तो आपको नहीं छूटे। और हमारा उम्मीद यही है कि जितना इम्पोर्टेंट बुक था वो हम करवा चुके हैं और आगामी जो भी और आएगा उसको हम फिर जो है संग्रह करके और इकट्ठा एक वीडियो और दे देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे संभवतः जो है जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसका संग्रह जो है हम आपको इस चार वीडियो में दे रहे हैं, जो कि तीन वीडियो हम दे चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको सबके सब याद हो जाए और आपका प्रयास यही होना चाहिए कि बिना स्किप किए हुए आप वीडियो के एंड तक देखें। देखिए, आप पहले क्या कीजिएगा कि आप एक बार जो है ढंग से बिना स्पीड किए हुए एक बार ढंग से देखिए। उसके बाद जो है जब आप एक बार देख लिए तब जो है एक बार और उसको स्पीड बढ़ा करके रिवीजन कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा, इसको हम याद करवाते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। पुस्तक का लेखक कौन? उर्जित पटेल। देखिए, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है और पूछता भी है कि आपका ये जो है पुस्तक किसने लिखा, तो उर्जित पटेल। आपको पता है ये उर्जित पटेल जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो देखिए, ओवर ड्राफ्ट का लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल। जिसने रहता है ड्राफ्ट कहाँ कटवाइएगा? तो बैंक में ड्राफ्ट आपको कटवाना है, ओवर ड्राफ्ट ड्राफ्ट ना, हमको ओवर ड्राफ्ट कटवाना है, कहां जाए? तो बैंक में, है ना। जैसे देखिए, ड्राफ्ट आपको ड्राफ्ट कटवाना है तो बैंक में, लेकिन ओवर एक मतलब कुछ ही बैंकों के बैंक वाला है, आरबीआई वाला है ना। तो आरबीआई वाला के गवर्नर थे कौन? उर्जित पटेल, है ना। तो ओवर ड्राफ्ट का लेखक कौन? तो उर्जित पटेल, सेविंग द इंडियन सेवर, है ना। अब देखिए, मसीहा मोदी, डायरेक्ट आपको इतने ही दे देगा, इतना हो सकता है नहीं भी लिखे, लेकिन इतना दे देगा कि मसीहा मोदी का लेखक कौन? तब लीन सिंह। देखिए, मसीहा मोदी, इसे मान लिया जाए जो भी समर्थक है मोदी का वो जो है उनको उनका नाम लिए बस मोदी में लीन हो गए, है ना। कहता है एकदम तब लीन हो गए, नहीं एकदम मोदी में, है ना। तो तब लीन सिंह याद रखना है, मसीहा मोदी के कौन? तब लीन सिंह। चलिए आगे आते हैं, माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट। तो भालचंद्र मुंगेकर जिसने कहता है कि माय इनकाउंटर इन पार्लियामेंट, इसे पार्लियामेंट में जो है कह रहा है कुछ ही कि आपको इनकाउंटर कर देंगे, भलवा से भोग कर मुंगा देंगे ना, बोलता है। जैसे आप गलत कीजिएगा तो आपका जो है बुरा ही होगा, अगर आप गलत किसी के साथ करते हैं तो वो आपके साथ जो है बुरा करेगा ही करेगा। अब उसको जखनी जहां मौका मिले, या तो आपको मौका मिल जाए आपको पार्लियामेंट में ही, चाहे जहां मौका मिल जाए वो आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है माय इनकाउंटर इन पार्लियामेंट, कह रहा है को जी कि इनकाउंटर कर दो कहाँ, पार्लियामेंट वहां में। तो इसीलिए भालवा से भोग कर मुंह आ देव, नहीं कहता मुंगेकर, तो भालचंद्र मुंगेकर, है ना। क्या चीज का? तो माय इनकाउंटर इन पार्लियामेंट, है ना। अब देखिए, वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन? मलाला यूसुफजई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन? मलाला यूसुफजई। और ये बहुत काफी पहले से आया हुआ है ये पुस्तक, तो आप सभी को याद भी होगा वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन, तो मलाला यूसुफजई। अब देखिए, बीइंग गांधी का कौन? पारो आनंद। इसको कैसे याद रखिएगा? बीइंग गांधी निकल है, याद रखना कुछ बेंग है, गांधी बेंगवा मार ले है, कौन? गांधी बैंक के मार रहा है, कौन? गांधी। अब मार के पार्ले है उन्हें, तो कोई पूछा कि का गांधी जी तू बेंगवा मार रही हो, तो हमारा बड़ी आनंद आओ बेंगवा मारे में, है ना। तो बीइंग गांधी, बेंग गांधी,
तो पार्ले जा रहे हो आनंद वाले पार पार के, है ना, जैसे मार के पार्ले जा रहे हैं, कह रहे को जी हमको आनंद आ रहा है। तो बीइंग गांधी का कौन बारो आनंद। अब देखिए माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन का लेखक कौन बाबा रामदेव, माई लाइफ माई मिशन का लेखक कौन बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का मिशन है, क्या मिशन है कि माई लाइफ जो है मेरा मिशन है, मेरा जीवन जो है जीवन जो है हमारा मिशन है कि हम जो है सभी को स्वस्थ रखना है। बाबा रामदेव वही करते हैं ना, योगा सिखाते हैं सबको, बताते हैं कैसे योगा कीजिए, है ना। तो वही है उनका लाइफ में जो है एक मिशन है कि सभी को स्वस्थ रखना है, सभी जनता लोगों का, है ना। तो माई लाइफ माई मिशन का कौन बाबा रामदेव, माई लाइफ माई मिशन का बाबा रामदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉकडाउन लेसंस, है ना, लॉकडाउन लेसंस का लेखक कौन शोभा डे। देखिए इसको याद कैसे रखना है, जैसे मान लिया कोई शोभा लड़की है और वो दरोगा हो चुकी है, तो लॉकडाउन में देखते होंगे कि दरोगा पुलिस सब जो है लगा हुआ रहता था, कोई भी बाहर से निकला ना तो धर लेता था, कहां कहां जा रहा है ना, तो बहुत जरूरी काम से था, लाइसेंस दो लाइसेंस दो, ना कह रहा है लॉकडाउन में लाइसेंस दे, याद रखिए लाइसेंस दे। लॉकडाउन में लाइसेंस खोजता था कौन शोभा, कह रहा है दे दे दे, शोभा कह रही है कुछ दे कौची, लॉकडाउनवा में लाइसेंस, लॉकडाउनवा में लाइसेंस खोज रहा है कौन शोभा, कह रहा है दे दे लाइसेंस, बड़ी लॉकडाउन निकल जाए निकले गए बाहर घरों में रह गए है बाहर निकल जाए लो निकलने घर तो घर से बाहर तो लाइसेंस कब से देखा है ना। तो लॉकडाउन में लाइसेंस मांगा है कौन शोभा, और कह दे जल्दी। अब देखिए चेंजिंग इंडिया का कौन मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया का मनमोहन सिंह, आपको पता है पूर्व प्रधानमंत्री है तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस से संबंधित है, कांग्रेस पार्टी से है मनमोहन सिंह। तो जिसे ना कहते हैं मान लिया कोई इनके पास गया मनमोहन सिंह के पास, कहा है बड़ी वोट दे बीजेपी के, देखना चेंज हो गलो ना इंडिया, बड़ी हमारा घड़ी कहानी की कुछ बोला है ना, देखे बोले वाला है ना समझ में आवी था है बोले वाला आयो ना प्रधानमंत्री, हमने बोला नहीं तो नहीं के लगा लो कि जे कुछ बोले ना करा है, चेंज हो गलो ना नीमन से चेंज हो गलो, आओ दे वोट स्टेशन भी की था कोची कोची भीग तो जो कोई ठेका रहा हो, है ना। तो याद रखना है चेंजिंग इंडिया के कौन मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया के कौन मनमोहन सिंह। अब देखिए द इंग्लिश पेशेंट, द इंग्लिश पेशेंट का माइकल ओटा ओडाटा जी, ओडाट जी याद रखना ओडाटा जी। देखिए कह रहा है कोची कि देखो हम इंग्लिश पेशेंट हैं, हमको डाटा चाहिए, ओडाटा जी कहता है इंग्लिश पेशेंट है तो कह ओ डॉक्टर जी न कह रहा है ओ डॉक्टर जी है ना। मैं कालवा कह रहा है कौची इंग्लिश पेशेंट है, कौन कह रहा है माइकलवा केरा डॉक्टर जी माइकलवा कह रहा है माइकलवा कह रहा है ओ डॉक्टर जी मैं इंग्लिश पेशेंट हूँ, है ना। तो इंग्लिश पेशेंट है कौन माइकलवा, कह रहा है केरा ओ डॉक्टर जी तो आता होगा थोड़ा बहुत, डॉक्टर जी ने बोल रहा है ओ डॉक्टर जी मैं इंग्लिश आई द इंग्लिश पेशेंट का लेखक कौन माइकल ओडाटा जी, है ना। अब देखिए फाइंडिंग द गैप का लेखक कौन साइमन टॉफिल, ये एम्पायर है साइमन टॉफिल, ठीक है। ये कह रहा है कुछ फाइंडिंग द गैप, एकदम तुरंत गैप हो जाता दोनों बीटवा बीच विकेटवा में, है ना, दो विकेट के बीच में तुरंत गैप कर दो आउट दे ना, गैप ए गैप हो जाता। तो साइमन टॉफिल फाइंडिंग द गैप, है ना। अब देखिए सेटलिंग टू द टॉप द पीवी सिंधु कौन वी कृष्ण स्वामी सेटलिंग टू द टॉप द पीवी सिंधु का लेखक कौन वी कृष्ण स्वामी। देखिए कह रहे हैं कोची ये सेटलर है कौन पीवी सिंधु, है ना, पीवी सिंधु है सेटलर है और टॉप क्लास के हैं। ये कह रहे हैं कृष्ण स्वामी कह रहे हैं, कृष्ण भगवान को स्वामी न कहती थी राधा जी, है ना, राधा जी कहती थी स्वामी, हे स्वामी न, तो कृष्ण स्वामी है ना, कह रहे कोची सेटलिंग टू द टॉप कौन पीवी सिंधु, है ना। तो सेटलिंग टू द टॉप द पीवी सिंधु का लेखक कौन वी कृष्ण स्वामी। अब देखिए विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो कौन नेहा द्विवेदी, ये आधारित है कर्नल
वीएन थापर के जीवन पर, कर्नल वीएन थापर के जीवन पर आधारित है। विजयंत एट कारगिल या द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, इसका लेखक कौन? नेहा द्विवेदी। याद रखना है विजयंत एट कारगिल, यानी कि विजय हमको चाहिए कारगिल पर। कह रहे थे कौन? नेहा द्विवेदी। नेहा द्विवेदी कह रहे हैं कोची कि वीएन थापर एक कर्नल थे, वो कहते थे कोची कि हमको विजय चाहिए किसको पर? कारगिल पर। आपको पता है कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, है ना, 1999 में भारत पाकिस्तान के साथ। तो विजय चाहिए कारगिल पर, ये कहते थे कौन? वीएन थापर। वीएन थापर कर्नल थे, वो कहते थे कि हमको कुछ नहीं, हमको कारगिल पर विजय चाहिए। तो ये बता रहे हैं कौन? नेहा द्विवेदी। नेहा द्विवेदी कह रहे हैं कोची कि विजय चाहिए था कारगिल पर, है ना, विजय चाहिए कारगिल पर। कौन कहते थे? तो वीएन थापर ना कहता है। ये देखा ही तोरा, ये बात नहीं हो तो पता जी, हमारे दादा फलना चीज कहा थी ना, ऐसे होता है ना, उसी तरह से यहाँ ये बता रहे हैं। अब देखिए द डेथ ऑफ जीसस का लेखक कौन? जे एम कोट जी। द डेथ ऑफ जीसस, द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक का लेखक कौन? जे एम कोट जी। अब देखिए अंधकार का युग का लेखक कौन? शशि थरूर। अंधकार का युग, अंधकार का युग है, कौन कह रहे हैं? शशि थरूर, जिसे शशिया कह रहा है कोची। थरूर थरूर यानी थम थम के, यानी पकड़ पकड़ के चलो, क्योंकि अंधकार का युग है, यानी कि पग पग जो है समझ समझ के आगे बढ़ो, क्योंकि यह अंधकार का युग है। अंधकार का युग शशि थरूर, अंधकार का युग शशि थरूर, अंधकार का युग शशि थरूर। अब देखिए द गर्ल इन द रूम, द गर्ल इन रूम 105 का लेखक कौन? चेतन भगत। आपको पता है कि देखिए द गर्ल इन रूम 105 का लेखक कौन? चेतन भगत। आपको बताते हैं, इसको याद करने के लिए कुछ बात बताएंगे आपको। इससे पहले चेतन भगत का हम एक और पिछले वीडियो में पुस्तक दे चुके हैं, वन अरेंज्ड मर्डर। देखिए चता रहा था भगतवा के कि देख रहे भगतवा ये गर्ल के लड़की के 105 को के रूमा बंद कर दो, वहीं बचता है ब्लैक रूम दुर्घटना हो जाता है, सब मर जाते है ना। जो देख चतावी थी, एक को गो के हम अगर अरेंज कर ले लियो ना तो तोरा मर्डर कर दो। वन अरेंज्ड मर्डर का लेखक कौन? चेतन भगत। और यहाँ द गर्ल इन रूम 105 याद आपको यही रखना है कि देखिए गर्ल यानी लड़की के 105 गो लड़किया के बंद कर ले रूमा में 105 गो के बंद कर ले ले कौन? भगतवा। तो ओकरे चतावे के ले कि देख रे भगतवा, चेतावे के ले चेतन है ना, चेतावे के ले केरा भगतवा के कि देख रे भगतवा तुझे लड़कियन के रूमा में 105 गो के बंद कर ले ही वो सब मर जाते बचता है तुरंत ब्लैक होल दुर्घटना हो जाते। तो चतावे गया था, बोला कि देख अगर नहीं सुधर में तो अगर ये गो भी हमारे साथ मिल ना अरेंज कर ले लियो एगो के भी तो मर्डर कर दो। वन अरेंज मर्डर, अगर वन के हम अरेंज कर लेते हैं तो आपको मर्डर कर देंगे, केकड़ा भगतवा का रहा। तो इसीलिए सुधर जाओ है ना। तो द गर्ल इन रूम 105 कौन? चेतन भगत। अब देखिए द डायरी ऑफ मनु गांधी, द डायरी ऑफ मनु गांधी का कौन? त्रिदीप सुहद। द डायरी ऑफ मनु गांधी का लेखक कौन? त्रिदीप सुहद। द डायरी ऑफ मनु गांधी का लेखक त्रिदीप सुहद। देखिए दोस्तों ये जो भी हम करवा रहे हैं एक बार दो बार जरूर देखिएगा और आपको याद हो जाएगा, कम से कम याद नहीं होगा तो आपको ऑप्शन अगर मिलेगा एग्जाम में तो आप बिल्कुल उसको आप मार दीजिएगा। तो चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ओवर ड्राफ्ट का लेखक कौन? उर्जित पटेल। ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल। और मसीहा मोदी ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन है ना, का तवलीन सिंह। उसके बाद जो है माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट का कौन? भालचंद्र मुंगेकर। उसके बाद वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफ़ज़ई। बीइंग गांधी पारो आनंद। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव। लॉकडाउन वही लॉकडाउन लाइसेंस मांग रहा था कौन? शोभा करा दे है ना। चेंजिंग इंडिया का मनमोहन सिंह।
द इंग्लिश पेशेंट का ओडाटा जी और डॉक्टर जी माइकलवा का रहता है ना, तो फाइंडिंग द गैप साइमन टॉफिल और सेटलिंग टू द टॉप द पीवी सिंधु वी कृष्णा स्वामी और विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो का लेखक कौन, नेहा द्विवेदी, आधारित है कर्नल बी एन थापर के जीवन पर। ठीक है, द डेथ ऑफ जीसस का कौन, जी एम कोटजी, अंधकार का युग शशि थरूर, द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत, द डायरी ऑफ मनु गांधी त्रिदीप सुहर। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ वैसा वैसा वर्ड है जो आप पढ़ने में टेढ़ा लगता है, जैसे देखिए एक्सपेक्टेशंस है ना लिखा हुआ है, थोड़ा सा अजीब ढंग के लग रहा है, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, ये सब जो है उतना नहीं, आपको डायरेक्ट ये ही दे देगा क्वेश्चन, आपको इतना ही से पकड़ा जाएगा, मसीहा मोदी का कौन, तवलीन सिंह। ठीक है, आप इसी तरह से एक दो बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर ये पसंद आया तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।